तो मैं चल पड़ा अपनी चौथी सोलो ट्रिप पर, और वो भी दिवाली के दिन। वैसे इसे ट्रिप तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ट्रैकिंग कैंप था और वो भी सिर्फ दो दिन का। तो हमारी बस आने वाली थी रात 2 बजे और सुबह 5 बजे हमारी डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना था। तभी बज रहे थे रात के 4:30 और ये जगह हमारे स्टार्टिंग ट्रैकिंग पॉइंट से 20 मिनट की दूरी पर थी। पर हमें कहा गया था कि जिसे भी चाय पानी और नाश्ता करना हो वो यही कर ले, क्योंकि सुबह 10-11 बजे से पहले हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर क्या था, हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और एक चाय की चुस्की ली और फिर बाद में बैठ गए हमारी बस में। तो 5:45 के करीब हम पहुंच गए थे हमारी ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी और इसी वजह से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, और आधा ट्रैक तो हमें अंधेरे में ही करना था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे सुबह हो रही थी, और जैसे जैसे सुबह हो रही थी नज़ारे उतने ही खूबसूरत हो रहे थे। वैसे ट्रैक इतना हार्ड नहीं था, काफ़ी नॉर्मल था, और ये ट्रिप की शुरुआत थी तो एनर्जी हमारे पास भरपूर थी, इसीलिए हमें थकान नहीं हुई। तो जैसे ही पूरी तरह सुबह हुई तब हम पहुंच गए थे टॉप ऑफ द टाउन, इस छोटे से शहर की सबसे ऊंची जगह पर, और यहाँ से नजारों के साथ जो सनराइज देखने को मिला है, ऐसा लग रहा था ट्रिप की शुरुआत बहुत ही सही हुई है। तो ये जगह के बारे में बात करूँ तो ये है इडरगढ़। इडरगढ़ एक टाउन है जो गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, पर यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे सनराइज देखने को मिला और इसी वजह से मैं काफी खुश था। तो उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठ के सनराइज का मजा लिया और कुछ दोस्त भी बना लिए। उसके बाद मस्ती मजाक करते हुए हम नीचे पहुँचे। और बैठ गए हमारी बस में, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना था हमारी कैंप साइट पर, जहाँ पर हम 2 दिन रुकने वाले थे। तो रास्ते के मजे लेते हम पहुँचे हमारी कैंप साइट पर। रास्ता सब तेरा तक है भैया, यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये। तो 2 दिन हमें यही गुजारना है। तो लंच करने के बाद हम जाते हैं ऐसी खूबसूरत जगह पर जहाँ पर बहुत ही शांति थी, यानी कि बहुत ही पीसफुल माहौल था। वैसे हम लोग यहाँ आने नहीं वाले थे, लेकिन हमें किसी और जगह जाना था, वो जगह बंद थी और इसी वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है, ठंडी छांव है, दूर वो जाने किसका गांव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहां ले आया, सपना ये क्या दिखलाया। उसके बाद शाम हुई और हम पहुंचे एक अच्छे से गार्डन में, जिसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा था और यहाँ पर लोग भी नहीं थे, तो काफी मस्ती मजाक हमने यहाँ पर किए। हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की, और अब हमारा अच्छा ग्रुप बन गया था और काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, और हम अच्छे से ट्रिप का मजा भी ले रहे थे। और फिर शाम ढल गई और रात भी हो गई और हम पहुंच गए हमारी कैंप साइट पर, लेकिन लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
हमने बढ़िया सा डिनर किया, दाल बाटी और छाछ। भाई मुझे तो बहुत ही सही लगा ये खाना और मैंने दबा के खा लिया। और फिर शुरू हुई गरबा नाइट। और भाई साहब हमने क्या गरबा खेला है, जिस तरह दाल बाटी दबा के खाई थी उसी तरह दबा के हमने गरबे भी खेले और ये दिन हमारा खत्म हुआ। तो काफी अच्छा रहा हमारा ये दिन। तो देखकर आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी हो खुश रहो और जिंदगी के मजे करो यार।